दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कैसे आप एक्सर्समैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। चाहे आप एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो या फिर DSC में हो, यदि आपको मेडिकल फैसिलिटी लेनी है रिटायरमेंट के बाद तो ये कार्ड आपको अप्लाई करना होता है। इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमें इसमें फिल करना होता है, साथ में हमें अपना फोटो कैसे अपलोड करना होता है, अपने डिजिटल सिग्नेचर कैसे अपलोड करने होते हैं, सारी की सारी जानकारी विद पेमेंट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसका प्रोसेस बिल्कुल हम डिटेल में जानेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपकी रिटायरमेंट की डेट से 6 से 8 महीने पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप रिटायरमेंट कर जाते हैं उसके बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें गूगल को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको ECHS टाइप करके सर्च कर लेना है। सबसे ऊपर में हमारी ECHS की वेबसाइट आती है, उसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी हम ECHS के होम पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, इसमें कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ में मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, सबसे नीचे ओके का हमें ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देंगे। वेब पेज के ऊपर स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने का ब्लू लाइन में एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। न्यू पेज पर हमें एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ECHS कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज रजिस्टर एप्लीकेंट के नीचे हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमें फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यदि आप फ्यूचर में रिटायर होने वाले हैं या आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं तो आप एक्सर्विसमैन पेंशन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पाउस है, इसमें वर्ल्ड वॉर 2 है, SSCOs रिटायरी है, PMRRs रिटायरी है, ECOs रिटायरी है। नेम कॉलम में आपको एक्सर्विसमैन का नेम लिखना है जो भी सर्विस रिकॉर्ड में है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है किस में जॉब करते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, NCC में, जिस भी सर्विस में आप जॉब करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना सर्विस नंबर विद परफिक्स और सफिक्स एंटर करना है। यदि आप आर्मी में जॉब करते हैं तो जब JCOs बनते हैं तो JC नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, साथ में आपका सर्विस नंबर एंटर करना है और सफिक्स एंटर करना है। कंट्री में आपका इंडिया रहेगा, यदि आप नेपाल से हैं तो आप नेपाल सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड राइट कर देंगे, इसके बाद आप एक पासवर्ड यहां पर क्रिएट करेंगे, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड यहां पर आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अपनी मदर का नेम राइट करना है, सेकेंड में आपको प्लेस ऑफ बर्थ राइट करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इनकी मदद से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरिफिकेशन कोड है, आपको यहां पर सेम वेरिफिकेशन कोड राइट कर देना है। पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद रजिस्टर का हमें टैब मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप विंडो आता है, इसको हम ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक पॉपअप विंडो और आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, इस पर भी हम ओके कर देंगे। लॉगिन पेज पर हमें अपना मोबाइल नंबर राइट करना है, साथ में जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको राइट करना है, यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन कोड कैप्चा भी एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन टैब पर हम क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो OTP यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, साथ में यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देंगे। वेरीफाई मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, साथ में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यदि आप फ्यूचर में रिटायर होने वाले हैं तो सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अदरवाइज यदि आप किसी और ग्रुप में आते हैं तो उस हिसाब से आप चूज कर लेंगे। जैसे हम चूज करते हैं तो एक नई विंडो हमारी ओपन हो जाती है, जहाँ पर हमारी कुछ डिटेल पहले से अवेलेबल होती है, बाकी हमारी पर्सनल डिटेल हमें फिलअप करनी है। सेलेक्ट ECM जेंडर कॉलम में मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सिटीजनशिप में आप इंडियन रखेंगे। जिस यूनिट में आप लास्ट टाइम पे सर्व किया है रिटायरमेंट से पहले, या रिटायरमेंट आप जाने वाले हैं जिस यूनिट से, वो यूनिट का यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारी डेट ऑफ इनरोलमेंट या कमीशन जो भी है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस डेट को आपका रिटायरमेंट है या डिस्चार्ज है वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी ESM सर्विस है, यहाँ पर आप अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी सर्विस में आप जॉब करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या DSC जो भी आपकी है। ECM कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है और इक्विवेलेंट JC एंड अबव या ऑफिसर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ESM रैंक है, जो भी आपकी लास्ट रैंक है जब आप रिटायर जा रहे हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ECM रिकॉर्ड ऑफिस पर क्लिक करते ही आपका रिकॉर्ड ऑफिस यहाँ पर शो हो जाता है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ पेंशन है, टाइप ऑफ पेंशन में काफी सारी यहाँ पर पेंशन दी हुई है, जैसे सर्विस पेंशन,
पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, जो भी आपकी पेंशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सर्विस रिटायर हो रहे हैं तो आप सर्विस पेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब स्टेटस में एक्सर्विसमैन अलाउ रहने देंगे। इसके बाद हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। दोस्तों इस पेज पर प्राइमरी बेनिफिशियरी मतलब जो भी रिटायर जाने वाला है उसका फोटो अपलोड करना है। फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, साथ में उसके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो अपलोड करने के लिए जो फोटो का हमारे यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और जहाँ पर भी हमारा फोटो सेव है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे तो हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। इसी तरीके से हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो भी साइन बना हुआ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी हमने सिग्नेचर सेव करके रखा है और ये सिग्नेचर हमारा अपलोड हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर, साथ में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल्ड है। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। यदि आप डिसेबल नहीं है तो नोट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका परमानेंट स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। इसके साथ आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। यदि कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो एंटर कर देंगे। मैटर एड्रेस में जो भी है मैरिड अनमैरिड वो सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप में जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। साथ में यदि आपको कोई ड्रग से एलर्जी है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसका IFSC कोड एंटर करेंगे, बैंक कहाँ पर अवेलेबल है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। दोस्तों साथ में आपको यहाँ पर रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे सेंटर दिए हुए हैं, जिस भी स्टेट में आप रहेंगे उसका आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीजनल सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको पेरेंट पॉलीक्लिनिक सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट में या सिटी में आप रहने वाले हैं जो आपके आसपास पेरेंट पॉलीक्लिनिक पड़ेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहीं पर सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको रेफर किया जाएगा। परमानेंट एड्रेस कॉलम में आपको कंप्लीट परमानेंट एड्रेस राइट करना है, साथ में डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड के साथ में। यदि करंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है तो आपको करंट एड्रेस भी यहाँ पर राइट करना है, अदरवाइज करंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमें डिपेंडेंट ऐड करने होंगे। डिपेंडेंट में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी स्पाउस और आपके बच्चे हो सकते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती या फिर जब तक वो जॉब नहीं करते हैं। डिपेंडेंट ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड डिपेंडेंट का एक टैब मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम डिपेंडेंट का फोटो पर क्लिक करके डिपेंडेंट का फोटो अपलोड कर देंगे जहां पर भी हमने सेव करके रखा है, और साथ में हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके जैसे हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डिपेंडेंट की डिटेल लिखनी है, उनका नेम यहाँ पे हमें राइट करना है। नेम राइट करने के बाद डिसेबिलिटी यदि कुछ है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नोट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, यदि वाइफ है तो वाइफ कर देंगे, स्पाउस कर देंगे, बच्चे हैं तो सन डॉटर जो भी है वो कर देंगे, पेरेंट्स है तो मदर फादर वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर राइट करनी है, उनका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर राइट करना है, साथ में उनकी मंथली इनकम राइट करनी है। मंथली इनकम राइट करते वक्त ध्यान रखिएगा, यदि डिपेंडेंट की मंथली इनकम 9000 प्लस डीए से ज्यादा है तो आप डिपेंडेंट ऐड करने पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी। यदि डिपेंडेंट की आय 9000 से कम है तभी उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। डिपेंडेंट की ईमेल आईडी यहां पर राइट कर दीजिएगा, साथ में उनका मोबाइल नंबर, आधार स्टेटस, उनका आधार कार्ड बना हुआ है नहीं बना हुआ है, यदि बना हुआ है तो उनका आधार कार्ड का नंबर राइट कर दीजिएगा। डिपेंडेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल, साथ में ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि ब्लड ग्रुप आपको मालूम नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। पैन कार्ड यदि बना हुआ है तो पैन कार्ड का नंबर राइट कर दीजिएगा, यदि कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो भी राइट कर दीजिएगा। साथ में पूछा जाता है कि आपका डिपेंडेंट को कोई ड्रग एलर्जी नहीं है, यदि ड्रग एलर्जी नहीं है तो यस कर दीजिएगा, यदि आपको मालूम नहीं है कि ड्रग एलर्जी है कि नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है। इसके बाद आप जो भी दूसरा डिपेंडेंट ऐड करना चाहते हैं अपने मदर पेरेंट्स को या फिर बच्चों को तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितने भी डिपेंडेंट आप ऐड करना चाहते हैं जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस में है। यदि कोई डिपेंडेंट आपके रिकॉर्ड ऑफिस में ऐड नहीं है तो यहाँ पर आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सभी डिपेंडेंट ऐड करने के बाद हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 डिपेंडेंट ऐड किए हैं, यहाँ पर टर्म्स कंडीशन दी हुई है, सभी टर्म्स कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, साथ में यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से इसको आप स्क्रॉल नीचे कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ में नीचे यहाँ पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर टोटल जो मेरी पेमेंट है 708 रुपीज है, पर पर्सन 177 रुपीज यहाँ पर लगते हैं। जैसे हम सेव डिटेल पर ओके करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपकी सारी की सारी डिपेंडेंट आपने ऐड कर लिए हैं, तो यदि ऐड कर लिए हैं तो आप ओके कर देंगे।
इसके बाद एक पॉपअप विंडो और आता है जो पेमेंट गेटवे पर आपको लेके जाएगा, उसको भी हम ओके कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू, SBI डेबिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू और UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यदि आप अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको कुछ चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसकी पेमेंट फेल हो जाती है। यदि आपकी भी पेमेंट फेल हो जाती है तो आप दोबारा से रिट्राई कर सकते हैं, आपकी पेमेंट हो जाएगी। मेरी भी पेमेंट कई बार यहाँ पर फेल हो चुकी है। मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जा रहा हूँ तो उस पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा कन्फर्म का पेज आ जाता है, कन्फर्म के पेज पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका CVV नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, सारी डिटेल यहाँ पर हमें डालनी है, साथ में हमें कैप्चा भी डालना है। उसके बाद पे का ऑप्शन हमें मिलता है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, OTP यहाँ पर हम एंटर कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारी पेमेंट हो जाती है, हमारे पास पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पेमेंट की रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगता है अप्रूव होने में। हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव होते हैं, साथ में हमें स्टेटस चेक करना होता है। कैसे हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं? साथ में जब तक हमारे स्मार्ट कार्ड नहीं आता है, जब तक हम दिखाने के लिए अपनी टेम्प्रेरी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में यदि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यदि आप आए हैं पहली बार हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।